बात करेंगे आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। आज का फ्राइडे नाइट का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है। उन्हें कौन से मैचेस और क्या क्या सेगमेंट देखने को मिले, बात करेंगे उसकी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में हमें रो के बहुत सारे सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं, जैसे केविन ओवंस, जॉनी गार्गानो, ऑस्टिन थ्योरी। तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि स्मैकडाउन है या रो। बात की जाए शो की ओपनिंग में, शो के ओपनिंग में मैच था सोलो सिकाओ वर्सेस सोलो सिकाओ एंड सेमी जैन वर्सेस रिकोसे एंड मैडकैप मॉस के बीच मैच था। ये एक अच्छा खासा मैच था शो के ओपनिंग के लिए। इसमें सोलो सिकाओ के अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले, एक पर रिकोसे ने पर से फ्लाइंग मूव देने की कोशिश की, तभी स्टील चेयर से सोलो सिकाओ ने उसे अलग ही मूव में बदल दिया और सोलो सिकाओ ने और सेमी जैन ने यह मैच जीत लिया। सोलो सिकाओ ने अपना फिनिशर सोलो किक मार के यह मैच अपनी टीम को जिता दिया और इसमें सोलो सिकाओ ने मैडकैप मॉस की बहुत अटैक करके बहुत कुटाई की थी इस मैच के। बात नेक्स्ट होता है नेक्स्ट बैक स्टेज सेगमेंट कैरिन क्रॉस का। इसमें कहते हैं कि कैसे मैंने ड्रू मैकइंटायर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बात रही एक्सट्रीम रूल्स की, मैं उसे एक्सट्रीम रूल्स में भी हरा दूंगा और उसे स्ट्रैप की मदद से इतना मारूंगा कि उसे वापस हॉस्पिटल में ही जाना पड़े। वहीं बैक स्टेज में ऑस्टिन थ्योरी का भी इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि कैसे ड्रू मैकइंटायर अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो रोमन रेंस से भी अपना मैच हार गया, अब उस गधे का मैच एक्सट्रीम रूल्स में होने वाला है। तभी ही ड्रू मैकइंटायर पीछे से आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी को बड़े गुस्से से देख रहे थे, तभी ही इनका मैच चालू हो जाता है जिसमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच होता है, जिसमें अल्फा एकेडमी हमें रिंग साइड पे देखने को मिलती है। इसमें ड्रू मैकइंटायर को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया और इसमें इनकी डोमिनेशन थी, पर बार बार अल्फा एकेडमी के मेंबर आके जब ड्रू मैकइंटायर में लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे तब आके इंटरप्ट करने की कोशिश, तभी ही ज्यादा बंदे आ गए। उसके बाद केविन ओवंस ने ड्रू मैकइंटायर को बचाने के लिए आए, उसके बाद उसके आने के बाद फिर जॉनी गार्गानो भी आके ड्रू मैकइंटायर को बचाते हुए नजर आते हैं। इससे मेन इवेंट सेटअप होता है, बात करेंगे उसकी हमें मेन इवेंट में। फिर उसके बाद बैक स्टेज हमें द मैक्सिमम मेल मॉडल्स देखने को मिलती है। इस मैच टू भी कहते हैं कि मैक्सिमम मेल मॉडल्स को यहाँ पे रुकना चाहिए। हमने क्या सोचा था कि हम उस होस्ट को फेस करेंगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, पर इसमें ये क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं अगर ये लूजर्स की टीम है तो मैं इसमें नहीं रहना चाहूंगा अगर ये ऐसी रही। फिर नेक्स्ट मैच होता है लथारियस वर्सेस द हीटरो के बीच और इसमें बहुत ही आसान तरीके से हीटरो ने यह मैच जीत लिया। बात करते हैं नेक्स्ट मैच था नटालिया वर्सेस राउडी रोंडा राउजी के बीच और इस मैच में भी रोंडा राउजी ने बड़े ही आसानी तरीके से नटालिया को हरा दिया और उन्होंने मैच जीत लिया। उसके बाद एक बेसबॉल स्टिक लेके लिव मॉर्गन रिंग में एंटर करती हुई नजर आती है और वो डराने का प्रयास करती है राउडी रोंडा राउजी को। फिर रोंडा राउजी ने यहीं पे उनसे ये स्टिक तोड़ के उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तभी ही सिक्योरिटी आ जाती है। उसके बाद इनके बीच एक जोरदार सा ब्रोल हमें देखने को मिलता है, जो एक अच्छा ब्रोल था क्योंकि बहुत समय बाद हमें ऐसे ब्रोल की सिचुएशन हमें देखने को मिले। तो हमें अच्छा इस मैच को हाइप करने के लिए यह ब्रोल हमें WWE ने दिखाया है, आपको जाके ये एक बार ब्रोल जरूर देखना चाहिए, जिसमें फिर आके सिक्योरिटी का इंटरप्ट है। फिर नेक्स्ट बैक स्टेज केविन ओवंस हमें जाते हुए नजर आ रहे थे, तभी ही वो सेमी जेन से आगे मिलते हैं और कहते हैं सेमी अब तुम कोई नई टी शर्ट परचेस कर लो, ऐसा कहते हैं वो केविन ओवंस सेमी जिन को बोलते हैं तू नई टी शर्ट ले ले भाई। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट इंपीरियम देखने को मिलती है इनके अंदर और वो कहते हैं एक्सट्रीम रूल्स में रोलिंग रूल्स को इंपीरियम ऐसा हरा देगी और वो बात करते हैं सेमस और गुंथर के बारे में भी कि वो वापस से एक बार हमें आमने सामने देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। इस प्रोमो के अंदर हमें सेमस और गुंथर अपने एक दूसरे की खिंचाई बहुत करते हुए नजर आ रहे थे और इसमें यही प्रोमो यही तक था और इसमें इंपीरियम और द रोलिंग रूल्स दोनों देखने को मिल रहे थे। वो कहते हैं कि अब रोलिंग रूल्स की ऐसी तैसी करके रख देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है द बेली वर्सेस सोर्जी के बीच और इस मैच में बेली ने सोर्जी को हरा दिया। फिर मैच खत्म होने के बाद वो ग्लाइडर लेके आती है और बीच में हमें सोर्जी को रख के पता नहीं जा रही थी बेली भी उनको बचाने के लिए बायंका ब्लेयर आ जाती है। बात की जाए मेन इवेंट के बारे में तो मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर केविन ओवंस एंड जॉनी गार्गानो वर्सेस द अल्फा एकेडमी एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच था। ये मेन इवेंट का एक बहुत अच्छा मैच था रेसलिंग के हिसाब से और हमें बहुत अच्छा मैच मेन इवेंट में देखने को मिला। इस मैच में हमें केविन ओवंस के
बहुत सारे सुपर किक्स देखने मिले और उन्होंने तो ओटिस के पर दो दो सुपर किक्स भी लगाए। बात की जाए इस मैच के बारे में तो ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक मारकर अपनी टीम के लिए मैच जीता और ड्रू मैकइंटायर, केविन ओवेंस और जॉनी गरगरो ने ये तीनों ने मैच जीत लिया और यही था आज का स्मैकडाउन। अब आज के स्मैकडाउन में हमें QR कोड भी देखने को मिला, बात करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में। और हमें कॉमेंटेटर के पीछे रिवील इन वॉट यू आर ऐसा भी साइन हमें कॉमेंटेटर माइकल कॉरर कोडी ग्रेव्स के पीछे हमें देखने को मिला, तो बात कर